मशरूम विटामिन सी विटामिन बी में ये काफ़ी रिच होता है। इसमें थोड़ा सा विटामिन डी भी होता है, स्मॉल अमाउंट में फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जिंक होता है मशरूम में, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन और कैल्शियम भी इसमें होता है। इसमें विटामिन बी जैसे कि राइबोफ्लेविन, नाइसिन और पेंटोथेनिक होते हैं। राइबोफ्लेविन जो होता है वो गुड होता है रेड ब्लड सेल्स के लिए। तो ज़्यादातर अभी कोरोना के जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करता है, तो मशरूम इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा अगर अपने हम डाइट में इसको यूज़ करेंगे। नाइसिन जो होता है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा हेल्दी बनाता है और हमारी स्किन को भी ये काफ़ी हेल्दी बनाता है। तो हमें अपनी डाइट में, डेली डाइट में मशरूम को ज़रूर शामिल करना चाहिए।